नमस्कार, मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज के शो पर हम बात करेंगे माइक्रो कैप फंड्स के बारे में। कल्पेश अशर हमारे साथ है। कल्पेश, शो पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि माइक्रो कैप की जो कैटेगरी है, ये समझना जरूरी है कि सेबी की तरफ से कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है माइक्रो कैप्स का, लेकिन इन फंड्स की बात करें तो इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद अवनी आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। और आज का जो ये टॉपिक है अवनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एक नए कैटेगरी के बारे में तो नहीं, बट एक नए फंड के टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, वो है माइक्रो कैप फंड्स। और जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अब तक सेबी ने कोई फॉर्मल एक इसकी कोई कैटेगरी बनाई नहीं है, तो सबकी एक आसान समझ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम सबको पता है कि लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जिनकी गिनती 1 से 100 स्टॉक्स में होती है, वो लार्ज कैप कैटेगरी हो जाती है। उसके बाद आती है जो हमारी मिड कैप कैटेगरीज होती है, जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक 100 से 250 तक के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक है वो मिड कैप कहलाए जाते हैं। 250 से लेके 500 की जो गिनती होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो स्मॉल कैप्स की गिनती में आते हैं। और ये जो नई एक बात कर रहे हैं हम माइक्रो कैप फंड्स की, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो 500 स्टॉक्स के बाद में आते हैं, 250 स्टॉक उनके बाद जो आते हैं, मतलब 500 से 750 स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आते हैं, उनको माइक्रो कैप स्टॉक्स कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये पूरी गिनती में सबसे बॉटम पे हैं, और उसके वजह से हमें पता है कि ये स्मॉल से भी स्मॉलर हैं, माइक्रो गिना जाता है। तो जब एक छोटी सी कंपनी में हम निवेश करते हैं, और बिल्कुल ऐसी कंपनी जिसका ज़्यादा कोई एक रिसर्च नहीं हुआ है या ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसमें जो हमारी जो रिस्क और रिटर्न, यानी कि जो हमारी निवेश की जो अपेक्षाएं हैं रिटर्न के हिसाब से और जोखिम लेने की जो एक क्षमता है, वो दोनों को हमको साथ में देखना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम माइक्रो कैप फंड में निवेश करें कि उसमें हमारा रिटर्न्स ज़्यादा हो जाएगा और रिस्क कम रहेगी, अथवा तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा और रिटर्न्स कम रहेंगे। ये हो ही नहीं सकता है, दोनों एक साथ हैंड इन हैंड चलते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो जानना जरूरी है कि इन फंड्स में फिलहाल तो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल ने ये फंड लॉन्च किया है, माइक्रो कैप पैसिव फंड, और भी कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि इसमें रिस्क समझना, जैसा कि आप बात कर रहे थे, इस पर अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। जी बिल्कुल। और ये जो अभी एक फंड हाउस ने इसकी एक शुरुआत की है ये माइक्रो कैप फंड्स की, वो एक आई थिंक एक पैसिव इंडेक्स फंड के जरिए की है, जो माइक्रो कैप के इंडेक्स को ट्रैक करेगा 250 स्टॉक का। तो हूबहू जैसे उसका जो इंडेक्स है उसको वो लोग रेप्लिकेट करेंगे, और ये फंड इन्वेस्टर के सामने आ चुका है। लेकिन अगर जो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में पहले से 15-20 साल से निवेश कर रहे हैं, उनको पता होगा कि एक और फंड था पहले 8-10 साल पहले, DSP का माइक्रो कैप फंड था, जिसमें एक्टिव फंड मैनेजमेंट हुआ करती थी। तो वहां पर जो फंड मैनेजर होता है उसकी जो क्षमता है, उसकी जो एक समझ है, वो थोड़ी ज्यादा शार्पन अप होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक नया ऑफरिंग जो आया है वो तो एक बेंचमार्क को रेप्लिकेट करने वाला है। और माइक्रो कैप्स को लेके अपनी ये जो फीचर्स हैं उसके, ये बहुत ही यूनिक किस्म के स्टॉक्स होते हैं जिसमें निवेश किया जाता है, और इसमें खास तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती, जो भी इसके ओनर्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, और या तो एक 2 या 3 पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। और इनकी जो रिस्क लेने की क्षमता है और इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिड होती है, वो बड़े कंपनी के जैसे स्लो एंड स्टेडी में नहीं मानते, वो या तो ज़्यादा जल्दी ऊपर आ जाते हैं या तो जल्दी गिरते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा निवेश भी उसके साथ जुड़ा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो माइक्रो कैप सेगमेंट है ना अवनी, वो बहुत कम रिसर्च्ड है। ये एक चीज़ समझने वाली है कि माइक्रो कैप स्पेस आज म्यूचुअल फंड मार्केट्स में सिर्फ 4%, मतलब 4% तक एक्सप्लोर्ड है। तो कितना सारा उस स्पेस में भी एक एक्सप्लोरेशन करने की क्षमता है, वो भी समझना जरूरी है। और कितने सारे ऐसे मोती, या जिसको हम जेम्स कहते हैं, वो उसमें एक रिसर्च होनी बाकी है जो निवेशकों को फायदा दे सकते हैं।
और ऐसे खराब कंपनी में भी हाथ लग सकता है जो निवेशकों का पैसा बिल्कुल गवा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक असमंजस वाली सिचुएशन बन जाएगी जब कोई इसमें या तो रिसर्च करेगा या तो इसमें निवेश करेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले समझाया कि इसको आप ऐसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के स्कीम के जैसे ना ले, ये थोड़ा यूनिक फंड ही आने वाला है। जी बिल्कुल। तो किन तरह के निवेशकों को इस कैटेगरी ऑफ फंड से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये काफी रिस्की है जैसा कि आप बता रहे थे, और अगर कोई निवेशक है जिन्हें इतना रिस्क लेना है तो उन्हें क्या मन में रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो हम इक्विटी को लेके ही ये कहते हैं कि जब कोई निवेशक इक्विटी में निवेश करता है तो उसका जो एक रिस्क लेने की जो एक क्षमता है वो ज्यादा होनी चाहिए, उसका टाइम फ्रेम ज्यादा होना चाहिए। तो वो तो इक्विटी की बात हो गई, और इक्विटी में तो लार्ज कैप्स भी आते हैं, स्मॉल कैप्स भी आते हैं, मिड कैप्स भी आते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स आते हैं। अब हम तो बात कर रहे हैं माइक्रो कैप की, जैसे मैंने बताया जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द लैडर है। तो यहाँ पर तो जो निवेशक रिस्क के नाम से दूर भागते हैं उनको तो इस फंड में बिल्कुल आई थिंक देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो ड्रॉडाउंस हैं, ड्रॉडाउंस यानी कि जब गिर के वापस आने की जो एक क्षमता होती है एक स्टॉक की, वो काफी तीव्र हो सकती है, शार्प हो सकती है, और उसको ऊपर आने में भी काफी समय लग सकता है। तो लोग इसमें बहुत सारा आई थिंक एक मानसिक उनको संतुलन बनाए रखना चाहिए, एक मेंटल बैलेंस होना चाहिए, एक मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इन्वेस्टर कि हम जब इसमें निवेश करते हैं तो हमारा ये भी पोर्टफोलियो हमको रिटर्न्स दिखा सकता है जो बहुत अच्छे समय तक ना हो, और उसका रिटर्न्स का जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा नीचे हो सकता है। तो अगर उन निवेशक में जिनके पास ये रिस्क लेने की क्षमता है, टाइम बहुत अवेलेबल है, उनके फाइनेंशियल गोल्स काफी लंबे समय के हैं, वो इसमें आई थिंक अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी तो एक परसेंटेज को एलोकेट करते हैं, वहां पर भी एक मिनिमल एक छोटी सी अमाउंट से और एक बैलेंस्ड तरीके से एक अपना हिस्सा इसमें अपना माइक्रो कैप में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और एक फाइनल बात, इसमें अगर आप निवेश करते हो अवनी, तो अपना सिर्फ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ना देखें बल्कि अपना पूरा नेटवर्क देखें कि आपका फिक्स्ड इनकम में कितना पैसा है, इक्विटी में कितना पैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो उतार चढ़ाव होंगे वो बहुत तेज होंगे और बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। और साथ में एक एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि बिना एडवाइजर अगर आप एक DIY या डू इट योरसेल्फ करने जाएंगे और आपकी लालच या जो कहते हैं भय, वो दोनों आपके काबू में नहीं रहेंगे तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। और एक एडवाइजर आपको ये सही राह बता सकता है कि आपको इसमें पहली बात तो जाना या नहीं जाना है, और अगर जाना है तो कितने प्रतिशत तक जाना है। जी बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कल्पेश। और जो मेरा आखिरी सवाल है वो ये है कि जो पूरी फाइनेंशियल एडवाइजर की कम्युनिटी है आप जैसों की, उनकी क्या राय है इस कैटेगरी के बारे में? क्योंकि काफी समय के बाद हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक कम्प्लीटली नई कैटेगरी आ रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक सवाल आपने पूछा अपनी, बिकॉज काफी समय के बाद वही पुराने एक हम सिस्टम से गुजर रहे थे कि सालों से हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडेक्स फंड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, और जैसे इंग्लिश में कहा हुआ था ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स करके सारे चीजें आ रही थी काफी सारे कारणों की वजह से। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी मार्केट है, लोग ज्यादा निवेश कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय के बाद एक ऐसी कैटेगरी आई है जिसमें हमें खुद का और निवेशक का एक बहुत ही शार्प माइंडसेट रख के चलना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और ऐसी सलाह देनी पड़ेगी जो निवेशक के भले के लिए हो, और अगर हम उसमें निवेश की सलाह देते हैं तो उसको फायदा भी हो और हैंड होल्डिंग भी हो। तो ये एक अच्छी कैटेगरी कही जा सकती है उनके लिए जो रिस्क और रिटर्न्स को समझते हैं और एडवाइजर का महत्व भी समझते हैं। तो एडवाइजर के तौर पे इस कैटेगरी या इन जैसी कोई भी अगर आने वाली समय में कैटेगरीज हैं जिसमें हमें थोड़ा हटके सोचना पड़े, तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली एडवाइजरी के लिए एक इंटरेस्टिंग एक बात हो जाती है। जी बिल्कुल कल्पेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ।